आज देश में सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत है, और वहीं पे अंजू पाकिस्तान जाकर निगाह किया। आजकल देश में काफी सवाल उठ रहे हैं, और हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। राजस्थान के अंजू जो पाकिस्तान जाकर निगाह कर लिया, क्या सर आपसे आपको ये लगता है कि इसके पीछे है ना भारतीय लड़कियों का ब्रेन वॉश कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, अंजू नामक जो भारतीय महिला है, लड़की है, वो पाकिस्तान में गई है और उसके साथ निकाह किया है। ये इस तरीके के जो कनेक्टिविटी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है, और कहीं ना कहीं कोई गेम है, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जिससे इनका जुड़ाव हो जाता है। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान वालों के तो जो मंसूबे अलग ही होंगे, उनकी फितरत अलग है, बार बार अलग अलग तरीके से करना, लेकिन ये इसमें कोई कामयाब नहीं होंगे। पर भारत सरकार को भी इस पर गौर करते हुए ऐसे जो सोशल साइट्स हैं उनको, जो पाकिस्तान रिलेटेड है, उसको एक प्रतिबंध करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए, जिससे कि अनावश्यक संपर्क नहीं बढ़े और जो भारत की जो गोपनीयता हो वो किसी भी सूरत के अंदर अपने जो दुश्मन देश है उनको नहीं मिले। तो सर इसके पीछे पाकिस्तान का एजेंडा क्या है? पाकिस्तान के अलग अलग एजेंडे होते हैं, वो हर बार कोई ना कोई नए नए तरीके करते हैं। कभी अपनी जो महिलाएं होते हैं उनसे, भारतीयों से संपर्क करके उनको फंसाने का काम करते हैं। कुछ लड़कियां जो इनके झांसे में आ जाती हैं सोशल साइट्स के माध्यम से, उनको झांसे में लेते हैं। इनके मंसूबे अलग अलग तरीके के होते हैं कि उसका कैसे दुरुपयोग किया जाए। उनका लक्ष्य भारत का नुकसान करने का होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको कह दूंगा कि इनके मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वर्तमान में आदरणीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो बड़ी संवेदनशील, सुरक्षित और सुरक्षा के ध्येय को लेकर चलने वाली है, बहुत मजबूत सरकार है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस सरकार ने पूरे भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है, ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में हम जो रह रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जरूरी है इस तरीके की कुछ घटनाएं होती रहती हैं, इस पे भी अंकुश लगाया जाना भी जरूरी है। हैदर का मुद्दा चल रहा है भारत में, तो सर सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ इंडिया आई है और वो पबजी के माध्यम से आई है, तो सर आपको लगता है सर इसके पीछे पाकिस्तान का कोई बड़ा एजेंडा है? पाकिस्तान का एजेंडा जरूर हो सकता है, कि पाकिस्तान किसी पूरे विश्व में छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान बार बार ये गतिविधियाँ करता रहता है कि भारत को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। आप देख सकते हो कि सीमा हैदर की जो एजुकेशन है वो कम से कम 5 पास होगी, 5th, लेकिन 5th पास होते हुए भी इसको कंप्यूटर चलाना आता है, इंग्लिश बोलना आता है, सब कुछ आता है, पूरे एक्टिविटीज़ है। और इसके अलावा ये यहाँ से पाकिस्तान से दुबई जाना, दुबई से वापस नेपाल जाना, नेपाल से इंडिया आना, और इस तरह की पूरी गतिविधि उनके पास होना, 5 पास, पासपोर्ट मिलना, ये हो सकता है कि कुछ न कुछ पाकिस्तान की गतिविधियाँ हो, कि यहाँ पर कुछ सीमा हैदर है वो यहाँ एजेंट के रूप में यहाँ पर भेजा गया हो। सर जैसा आप देख रहे हो कि मंजू पाकिस्तान जाकर वहाँ के लड़कों से निगाह कर रही है, उन्होंने निगाह किया, तो क्या सर आपको इस मुद्दे पे लगता है कि वहाँ के लड़के अपने भारत की लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हाँ, ये लंबे समय से हो रहा है। ये लव जियात की बात देखे जाए या सब कुछ देख रहे हैं तो लंबे समय से ये हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का भी एजेंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि यहाँ के भारत का तो ये नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे हैं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि महिलाओं और जो जितने भी लड़कियाँ हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको क्या ब्रेन वॉश कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, धीरे धीरे प्रलोभन देकर और उनको अपनी ओर खींचते हैं, और फिर पाकिस्तान बुलाते हैं, उनसे निकाह करते हैं, और फिर इनको दूसरे देशों में बेचना और इस तरह से करना, ऐसी गतिविधियां में पाकिस्तान लिप्त है। तो हो सकता है कि इसमें पाकिस्तान का है रोल। जिस तरह स्थानीय लोगों ने कुछ बातें बताई कि किस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत है, और अंजू भारत से पाकिस्तान गई, महिमा नागर भिनमाल।